आपको बता दें कि प्रयागराज माघ मेला में पौष पूर्णिमा पर रात से ही छाए घने कोहरे के बावजूद संगम और माघ मेले का समूचा क्षेत्र स्नानार्थियों से भर गया। हर हर गंगे के घोष के साथ स्नान करने को लोगों का उत्साह हिलोरे मारने लगा। ब्रह्म मुहूर्त में यानी भोर करीब 4 बजे से स्नानार्थियों ने गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम के जल में स्नान शुरू कर दिया। दरअसल पौष पूर्णिमा माघ मास का पहला स्नान पर्व है और इसके साथ ही माह भर चलने वाले कल्पवास की शुरुआत होगी। ऐसे में पौष पूर्णिमा पर न सिर्फ कल्पवासी बल्कि बड़ी संख्या में उनके परिजन भी शिविरों में पहुंचेंगे। प्रमुख साधु संतों का आगमन भी पौष पूर्णिमा पर ही होता है। श्रद्धालु पावन स्नान कर रहे हैं, सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त की व्यवस्था की गई है। समस्तीपुर बिहार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिला संचालक हूँ। मैं इस अवसर पर पुण्य काल पर आया हूँ, महाकुंभ का योग है, पुण्य लाभ के लिए आया हूँ और अयोध्या से आ रहा हूँ। अयोध्या और प्रयागराज धर्म क्षेत्र बना हुआ, वहाँ से यहाँ तक के मुझे अतुलनीय अवर्णनीय दृश्य देखने के लिए मिला है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वर्तमान सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार ऐसी व्यवस्था कायम रखे, हम लोग बार बार यहाँ स्नान करके पुण्य लाभ ले। जय श्री राम। व्यवस्था बहुत उत्तम है, हम लोग को लग रहा है कि हम लोग सनातन संस्कृति के संरक्षक सरकार के अधीन है। सारे कार्यक्रम उत्तम रीति से होता है, सारे पर्व त्योहार स्नान व्रत आदि सब की चिंता सरकार करती है। योगी मोदी का जय जयकार होता रहे और भारत के सनातन धर्मावलंबियों का जय हो और सब लोग हम सब मिलके भारत को फिर से विश्व गुरु बनावे। जय श्री राम। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।